आज बात करेंगे आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट एक ऐसा नाम जो आज सारे लोग जानते हैं, और इनका जो योगदान है हमारे जगत में ये बहुत बड़ा है। और जितना भी मुझे पता है कि इन्होंने जो भी खोजें की हैं, उन खोजों की 70 से 80% जो खोजें हैं वो न्यूटन के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, और बाकी साइंटिस्ट जो कि वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आर्यभट्ट की कि उन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में प्रमाण दिए हैं, और वो प्रमाण आज समझ में आ रहा है साइंटिस्ट लोगों की, वो जो चीज़ें आर्यभट्ट बहुत साल पहले कह गए थे वो सच हो रही हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, जैसे आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे ये पता चल जाएगा आपको कि न्यूटन ने जो अपने नाम पर रजिस्टर कराया था वो खोजें कौन सी हैं। वो सिर्फ दो या तीन एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये जो नियम है ये आर्यभट्ट ने ही बताया था सबसे पहले, और ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। और आर्यभट्ट ने साथ ही साथ आर्यभट्ट ने ये बताया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम तो है ही, साथ ही बाकी ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में कितना ज़्यादा है कितना कम है ये भी आर्यभट्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने ये भी बताया था, जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो कुली है जो ट्रॉली में कोई सामान लेकर जाता है जिसमें दो चक्के लगे होते हैं, और उसमें क्या होता है, एक साइंथीटा नाम का फैक्टर होता है जो वजन कम करता है। तो इस तरह से भी आर्यभट्ट ने बताया है अपने शास्त्रों में कि किस तरीके से जो वजन होता है वो कम होता है, और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किस तरीके से लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्यभट्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। अब मैं वो बात बता रहा हूँ जो ऐसी बात है जो मैकॉलो ने, जो कि ब्रिटिश शासक था जिसने सारे ग्रंथ और शास्त्र जो हमारे ऋषियों के थे वो नष्ट कर दिए थे। आपको लंदन की लाइब्रेरी में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो भारत में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैकॉलो ने सारी चीज़ें जो थी लगभग आर्यभट्ट की जो 40 से 50% जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी उसने जला दी हैं, या वो आपको मिलेंगी तो ब्रिटेन में मिलेंगी। आर्यभट्ट ने ये बताया है कि जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्यभट्ट ने ही बताया था हजारों साल पहले। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि दो ब्रेन हैं हमारे मस्तिष्क में, और वो बहुत ही अलग तरीके से सक्रिय होते हैं। हम जिस ब्रेन का उपयोग करते हैं वो ब्रेन हमारे जस्ट अपोजिट पोर्शन जो बॉडी का होता है उसको कंट्रोल करता है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने ये भी बताया था कि उनके जो दोनों ब्रेन हैं वो सजग हैं, वो सक्रिय हैं, ये आर्यभट्ट ने ये बताया था। कि उनका जो केंद्र है वो जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो है, जहाँ सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं जिसको अमर ज्योति बोलते हैं। तो आर्यभट्ट ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता के रखी हुई हैं, जो कि हो सकता है कि आगे साइंटिस्ट लोग उसको प्रूव करें और अपने नाम से उसको रजिस्टर करवाएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्यभट्ट ने ये ऑलरेडी बता दिया है कि दो ब्रेन होते हैं लेफ्ट और राइट, दोनों को केंद्रित करने के लिए एक बिंदु होता है जो वहाँ होता है जहाँ तिलक लगाते हैं, और ये तिलक की जो परंपरा है हमारे भारत में बहुत सालों से चली आ रही है। और ये जो तिलक है जहाँ पर ये तिलक लगाया जाता है इससे पूरा ब्रह्मांड केंद्रित होता है। और इसी तरीके से आर्यभट्ट ने बहुत सारे ग्रहों की दूरियाँ, बहुत सारे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण और उनके उपग्रह ये तक आर्यभट्ट ने बता दिया था। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने ये भी बताया था कि जो व्हेल्स होती हैं, जो ब्लू व्हेल है या डॉल्फिन्स इस टाइप की जो मछलियाँ होती हैं, ये अपनी एक आँख बंद करके सोती हैं, एक आँख इनकी खुली होती है। इसका कारण ये है कि ये कैसे अपने आप को सक्रिय रख सकती हैं समुद्र में, उस हिसाब से उनका जो एक्टिवेशन है ब्रेन का वैसा होता है। तो आर्यभट्ट किस लेवल के कितने बड़े साइंटिस्ट थे इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि आज लोगों ने उस चीज़ को प्रूव किया है कि जो डॉल्फिन होती है या जो ब्लू व्हेल्स होती हैं इनकी एक आंख खुली होती है जब ये सो रही होती हैं, और इनका एक ब्रेन जो होता है सक्रिय होता है, और ब्रेन और आइज इन दोनों का क्रॉस कनेक्शन होता है। मींस जिस आंख को वो खुला रखे हैं उसका जस्ट अपोजिट पोर्शन जो है वो सक्रिय होता है, और जिस आंख को उनने बंद किया है वो उसका जो सपोज राइट आई आंख उन्होंने बंद की है तो लेफ्ट ब्रेन उनका सक्रिय होगा। तो इस तरीके से आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में इस चीज़ का उल्लेख कर दिया है, और ये अब जाकर साइंटिस्ट लोगों को पता चल रहा है कि इस तरीके की कोई चीज़ है और ये सही साबित हुई। कुछ दिनों के बाद साइंटिस्ट ये भी साबित करेंगे कि लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है वो एक
जो तिलक लगाने वाली जो जगह है वहाँ पर केंद्रित होते हैं। और आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि यदि ये चीज़ एक ट्रायंगल बनाती है, और ट्रायंगल जो होता है उसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये आज लोगों ने देख लिया है कि ट्रायंगल जो चीज़ है इसके हम तीनों बिंदुओं का अलग नहीं कर सकते। जो स्क्वायर होता है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, उनकी जो लंबाइयाँ होती हैं, जो एजेस होती हैं जो स्क्वायर की, वो चेंज नहीं होंगी, बस एंगल चेंज होंगे। लेकिन हम किसी ट्रायंगल का एंगल भी चेंज नहीं कर सकते, वो रिजिड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे जो राइट ब्रेन है और जो लेफ्ट ब्रेन है, वो हमारे जहाँ जो मस्तिष्क का जो मध्य बिंदु होता है वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों ट्रायंगल की भांति कनेक्टेड होते हैं और ये चेंज नहीं हो सकते। तो ये आर्यभट्ट ने बताया है, और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद ये किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट के नाम पर कोई बुक निकले और वो इस नाम पर अपना अपना प्रचार करे। साथ ही साथ जिस साइंटिस्ट ने ये सब बताए हैं, आर्यभट्ट, जो जिन्होंने ये भी बता दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अलग तरीके से एक पुस्तक है, एक जो जिसका नाम है सीक्रेट, तो यदि आप उसको देखोगे तो एक बहुत ही मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट ही गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा नहीं होता जैसा उसमें दिखाया गया है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक अलग तरीके की टेक्निक है, एक अलग तरीके की विद्या है वो। तो यदि आप उसको जाकर देखेंगे, मैं भी उस पुस्तक को मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर आर्यभट्ट ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अपनी जो गणित के हिसाब से उस चीज़ को उसको साबित किया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि आर्यभट्ट का आप पढ़ेंगे तो आपको एक विधि मिलेगी, एक टेक्निक मिलेगी। वो हवा में बातें नहीं करते थे, उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं बहुत साइंटिफिक तरीके से उसको बताया है। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आर्यभट्ट की ही देन है, ना कि किसी और की। साथ ही साथ और भी चीज़ें आर्यभट्ट की जो मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।